पहले घुमा के दिखाता हूँ, अभी रेस स्टार्ट होने वाली है। ऊपर में ऑलरेडी टर्न दिखा रहा है, शार्प बेंड यहाँ पे 60 है। एक यहाँ टर्न पे गिर गया था बंदा, जस्ट हैड एन क्रैश एंड साथ में शायद गारमेंट में टूट गया है। इट इज लाइक 40। कैसे कहाँ गिरे? तो ऑफ रोड में गिरा। गाय माता। Hey guys, this is Fatback Rebels. Today I have loaded the e-motor ad. Because अभी हम जा रहे हैं MTB कौसानी, so I'm going with the family and पापा भी ड्राइव कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं ओवरटेक कर लूंगा हल्द्वानी तक। Also we're enjoying the फालसे in the cup, और मुझे लगता है पुलिस वाले रोक के यही पूछेगा भाई दारू वारू तो नहीं पी रहे हो। कौसानी का जो रास्ता है वो हल्द्वानी होके जाता है, एंड हल्द्वानी में बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं, एंड वहां से एक ग्रुप भी आ रहा है ट्राई क्लब नाम से। रास्ते में रामपुर आता है, रामपुर में एक चीज बहुत फेमस है, दैट इज रामपुरी चक्कू, और यहाँ पर बंदों ने पूरा का पूरा ये भी लगाया हुआ है। जस्ट रीच हल्द्वानी, टाइम इज लाइक 3:30 AM इन द मॉर्निंग। अभी हमने फिर से फ्यूल फुल करा लिया, बिकॉज बाहर मतलब हिल स्टेशन में मुश्किल ही मिलता है फ्यूल। जब हम आए थे ना पहले, काफी टाइम पहले, बस एक लेक के किनारे छोटा सा रेस्टोरेंट, राजमा चावल और दो तीन चीजें बस, और ये इतना डेवलप हो गया। सो जस्ट रीच भीमताल एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया हमने। बेसिकली हमें लिस्टा का भी ये मिला था, कैंपिंग गियर्स तो भी ये यूज कर रहे हैं। थोड़ी सी देर हम वेट करेंगे बिकॉज टाइम से पहले आ गए। मेरा ड्रोन आ रहा है यहाँ पर एंड होपफुली खुद ही लैंड कर देगा। इसमें एक बहुत अमेजिंग फीचर होता है कि ऑटो लैंड करता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से भाई साहब पूरा रास्ता ही जाम हुआ पड़ा है, पीछे गाड़ियां हैं आगे गाड़ियां हैं, ये अपना लगा हुआ मजे से। गाइस फाइनली रीच, इतना बुरा हाल था यहाँ पर मैं क्या बताऊँ। एंड दिस इज अन्ना शक्ति आश्रम, ये यहाँ का मीटिंग पॉइंट है। पूरे 12 घंटे ही लग गए आने में, लगा था 10 घंटे में आ जाएंगे, बिकॉज बहुत जल्दी निकले थे हम, रात के मेरे को लगता है 10 बजे निकले हैं। स्मूथ रास्ता था, यहाँ पे आके बुरा हाल हुआ। पर से अब मेरी गाड़ी में ये बुरा हाल हुआ है कि यहाँ पत्थर चिपक गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा इनका। आपकी साइकिल्स भी यहाँ पर आई थी, ये पॉलीगन की ले ली। ओह नाइस, कैसे भाई? अरे भाई 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 कैसे है? कैसे सर? नाइस टू सी यू। ऑब्वियसली यहाँ पे शायद हिमालयस दिख रहे हैं मुझे। तो ये भाई साहब हितेश है, छत पे लेके आ गए तू? मेरे पेडल्स अभी बैग में पड़े हैं, मैंने वो नहीं डाले, मैंने बाइक मतलब कोई राइड ना कर सके बस से भी। दाई हद है यार, लोगों की ना बहुत गंदी नजर रहती है। इन तू कैसे लेके, बॉक्स में लेके आया ना इसको? फ्रंट वाला व्हील खोल दिया, हाँ? जो नॉर्मल पैक होती है, और ये सीट पोस्ट हैंडल बार स्पेसर डाल के बॉक्स सील कर दिया। बाय द वे जो यहाँ पर आए हैं सब बॉक्स पैक करके लाए, बिकॉज उसमें सेफ रहता है ज्यादा। फोम पैडिंग भी कराई इसने, तो हाँ इसने फोम भी कराया था, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू भाई, मैजिकल है ना भाई, इसमें तो अलग ही लेवल चीज होती है। हालांकि मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो मुझे पॉक का चश्मा दिया है वो भी बहुत अच्छा। पहन के दिखा मेरे पापा, अभी मैं लेके ही घूम। बाय द वे सबके स्टे अलग अलग है यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट का वहाँ पे चल रहा है। मेरा जो है दैट इज दी हेरिटेज में वहाँ पे जाके है। एंड आश्रम में किसका है स्टे? यार यहाँ कैसे इतने बंदे आ जाएंगे? हाँ जी बहुत बड़ा है, आप जाओगे। हेलो, मेरी तीन साइकिल आ जाएंगी जिसमें किसकी एक है। भाई बंदे ने 1.75 जैक की साइकिल यहाँ पे लेके आया है। भाई 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 अमीर लोग। तो आप लोग सोच रहे हो क्या इवेंट है, दिस इज MTB कौसानी फर्स्ट एडिशन है, एंड ये मुझे स्टे दिया गया है, दिस इज दी हेरिटेज। एंड इसमें फैमिली रूम में मिलेगा, अभी इन्होंने टेम्परेरी में ये वाला रूम दिया गया, बिकॉज हम थोड़े से जल्दी आ गए, चेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पर आया था, हो गया पंचर। भाई ये तो पूरी 2 सेकंड में हवा खत्म हो गई, ये पक्का उस चीज का पंचर है, क्या बोलते हैं स्क्रू का है। पंचर लगाने की टेक्निक होती है, पहले ड्रिल करना पड़ता है, फिर ये पैचेस लगाने पड़ते हैं। हार्डली मेरे को लगता है 250 रुपए की किट आती है, रख ही लिया अगर अपनी गाड़ी में। और मम्मा को कैमरा भी पकड़ाना पड़ता है। तो MTB कौसानी की टीम आ चुकी है, दैट इज द ऑर्गेनाइजर, बहुत ही हॉच पॉच में आएंगे। आई गेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी चल रही है, जब तक हम वेट कर ही रहे हैं सबका रूम रूम मिलने के लिए, तब तक देख सकते हैं। दिस इज द बैक साइड ऑफ अन्ना शक्ति आश्रम, एंड लुक एट द व्यू। ये वाला रूम है जो हमें मिला, चलते हैं हम सीधा डिनर। सो डिनर ये लंच करने, स्नैक्स वो हमारी वो होगी, क्या बोलते स्नैक्स एंड विद तो इस इवेंट में सब कुछ स्कैटर्ड है। सो दिस इज दी रॉक क्लाइंबिंग एरिया, तो यहाँ पर फीमेल्स का यहाँ पे स्टे भी है, एंड यहाँ पर हमारा बिप कलेक्शन भी होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस भी हो रही है, एंड ये नहीं है कि साइकिलिंग प्रमोट करने के लिए इवेंट है, यहाँ का टूरिज्म प्रमोट भी करा जा रहा है, बिकॉज कौसानी बहुत छोटा सा वो है गांव टाइप का, तो
यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होगा, हम सारे आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर इतना मजेदार है। ये देखो ना, नॉर्मल डेज में ऐसा वेदर है, तो सोचो स्पेशल डेज में कैसा वेदर होगा। यहाँ पर काफी लोग यहाँ पे बॉक्सेस में बाइसाइकिल लेके आए थे, वहाँ थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पे रिपेयर भी करा जा रहा है इनका। वेब स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दीज आर लाइक दी नंबर प्लेट्स, तो आपको पता चल जाता है कौन सी कैटेगरी में हो। और अब गोलगप्पे खाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये टेक्निक अच्छी है आपकी, ऐसे डालने का। So good morning, this is the next day and हम leave कर रहे हैं for MT Kosani. And look at the view, ये Kosani का view आता है यहाँ पर। So मेरा जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है दूसरे से comparatively, because दूसरों को hardly 1 या 2 किलोमीटर दूर है, मेरा 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन hills पे 5 किलोमीटर यार actually में बहुत ज़्यादा feel होते हैं। So अभी मैं जा रहा हूँ अनाशक्ति आश्रम, that is the starting point of the location, and वहाँ पर हमें फिर breakfast serve किया जाएगा। देन उसके बाद रेस स्टार्ट होगी, सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एलीट क्लास है, उसमें 40 किलोमीटर है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एंड देन जो आपकी अंडर 18 है, फीमेल्स हैं एंड ओवर 35 हैं, उनके लिए अराउंड 25 किलोमीटर वाली है। सो मेरी जो आज की बाइसाइकिल है, दिस इज द ई मोटर रैड नाइट हॉक, आपको पता होगा मैं रिसेंटली परचेज करी है। एंड द रीजन आई एम राइडिंग इज दैट, क्योंकि मेरे को हिल पे इसको टेस्टिंग करना था। देखो रेस में तो पार्टिसिपेट वैसे भी नहीं करता, एंड इसको मैं 1 की असिस्ट में रखने वाला हूँ पूरा टाइम, ताकि ये MTB की तरफ बिहेव करे। बेसिकली फैट बाइक के जो टायर्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं, आपको पता लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बीटिंग एफर्ट भी लग रहा है। आइए दूसरे पार्टिसिपेंट्स के स्टे यहाँ पर है, ये होटल सागर है, एक शायद इसमें भी किसी का स्टे था। बेसिकली ये जो मोटर होती है ना, अलग ही होती है, इसमें टॉर्क सेंसर लगा होता है, अगर आप पावर नहीं देते ये बिल्कुल भी पेडल को पावर नहीं देगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो ये भी मोटर को पावर देते, तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है। ऐसे नहीं हमने रेस दे दी कि साइकिल चलती जाएगी, एफर्ट पूरे लगते हैं इसमें भी। टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देखिए, मैं जब बेसिक स्टार्ट कर रहा था ना मेन साइकिल 2016 से 20 के बीच में, आपके इस टाइप टिप्स एंड सुबह में ब्रेकफास्ट भी सर्व कर जा रहे हैं यहाँ पर। एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था कि सारे एक साथ आएंगे, और 22,000 हमने पेमेंट कर दी थी और हो गया वो स्कैम। वो सबसे बड़ा कॉल प्लेयर निकला, और यहाँ पे जिसकी भी साइकिल में फॉल्ट आया उसका जिम्मेवार एक पंडित NCR का, जो वेबसाइट पे फ्रॉड हुआ है। उस बंदे का SEO इतना तगड़ा है, उसके वेबसाइट पे कॉपीराइट ऑलरेडी लगा हुआ है और रिकमेंडेशंस में नंबर 1 पे आती है दिल्ली NCR। बहुत खतरनाक सा स्कैम लग रहा है, मतलब कोई भी पेमेंट करता भाई ऑनलाइन के लिए। होटल नीचे काफी अच्छी लग रही है। तो बेसिकली ई मोटर आर्ट में सब यही बोल रहे थे मुझे कि यहाँ पर बॉटल होल्डर आते नहीं है, यहाँ फिट नहीं आ सकती, नीचे लग नहीं सकता बैटरी है, तो मैंने यहाँ नीचे इंस्टॉल कर दिया, एक मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिया। ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस गारमेंट 840 जो नया मुझे दिया गया है, इसमें बड़े मज़ेदार फीचर है। एक तो आपको बटन से मिल जाते हैं, साथ में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाता है, तो आप फुल नेविगेट कर सकते हो। जो मेरे पास H520 था उसमें इतना अच्छा नहीं था, एंड इसका मैप भी इतना सही नहीं था, इसका मैप भी मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, मे बी उसका अनलॉक नहीं था, बिकॉज ये ऑफिशियल गो इंडिया से आया है, तो यहाँ पर मैप ऑलरेडी लोडेड आते हैं। ऑल्सो कौन सी साइकिल राइड कर रहे हो आप? मैं फायरफॉक्स की हूं। हिम्मत है और फुल 46-45 ना। ऑल्सो यहाँ पे पेड़ लगाया जा रहा है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इवेंट। ये अलग ही टेक्नोलॉजी है, इसमें देखना पेडल घुमा के दिखाता हूं। अब बोलो 5 लाख। सो बेसिकली अभी रेस स्टार्ट होने वाली है एंड हम बस फाइनल पे हैं। जो स्टार्टिंग द रेस, उन्होंने बताया कि धीरे जाना बिकॉज डाउन में कंट्रोल नहीं हो पाती है, फिर अब फिर लोग लास्ट में सारा 40 किलोमीटर की रेस है, मेरे तो अभी से हालत टाइट हो रही है, पार कर लो कोई चीज है। चलो अरे मेरे गोपुर में ऑलरेडी टर्न दिखा रहा है शार्प बेंड यहाँ पे 60 हर्ट्ज, भाई क्या मजे की चीज़ है। वार्निंग 0 मीटर्स यू टर्न आ गया, भाई क्या सेक्सी चीज़ है यार ये गोपुर कह रहा हूँ गार्मिन, थैंक यू, अब मैं खींचूंगा भाई मजा आ गया। फिर मैं पेडलसिस 1 यूज़ कर रहा हूँ जानकर, ताकि प्रॉपर MTB की फील आए मुझे, जब बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा तब मैं 2 या 3 लेवल पे जाऊंगा। भाई बहुत एपिक, एक तो सारे साथ चल रहे हैं, यहाँ मज़ा बहुत आ रहा है, गंदा इंसान मुझे ओवरटेक कर गया। अब डाउन में तो दिक्कत आएगी बिकॉज ब्रेक्स मेरी कम पावरफुल है, MT 200 पता नहीं कौन सी, सॉरी टिकटॉक की है। मेरे को तो भैया जी यहाँ के नज़ारे बहुत मज़ा लग रहे हैं, या तो मन करें स्पेशल आऊँ एंड अकेले साइकिलिंग करूँ। हैट्स ऑफ टू MCB MTB कौसानी, एंड दिस इज लाइक अपहिल सेक्शन, बीच बीच में आता रहता है। कौन है मेरे मजे ले रहे थे, कह रहे थे डाउन हिल पहले, ये मजे लेने वाले बहुत हैं। हाँ किस एंगल से डाउन हिल? नाउ द अपडेट इज दैट अराउंड
5.88 किलोमीटर हो चुके हैं एंड डाउन हिल वापस स्टार्ट हो गई है। चलो पहले राइट टर्न दिख तो नहीं रहा। ऑल्सो दिस ई मोटर एड भाई क्या परफॉर्म कर रही है, फुल सस्पेंशन बाइसाइकिल है। इसके बस पीछे का मैं लॉकआउट खोल दिया था भाई, हर एक घंटे में से मजे से जा रही है एंड फील ही नहीं आ रही है, फ्लोट हो रही है साइकिल। एनी मैं सोचा इलेक्ट्रिक की वजह से भगा पा रहा हूँ, फुल सस्पेंशन है इसलिए पेल पा रहा हूँ। ओ शिट, गई 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 35 kg दी पर काम हो जाना मेरा। अभी बिहाइंड द सेम्स कैमरा ऑपरेट करना भूल गया, एक यहाँ टर्न पे गिर गया था बंदा तो उसकी हेल्प करने आया था बस। ऑल्सो जहाँ जहाँ पे गाँव में शॉप्स हैं इस समय पे वाटर बॉक्स सर्व कर रहे हैं। कोसानी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है लेकिन आज ठीक है क्योंकि सनी एनवायरमेंट है। ये बता रहे थे कि जैसे रेन होती है, भाई पीछे में पड़ रही हो ऐसे ही भाग क्या रहा है, तो जैसे रेन होती है या ठंड हो जाती है वैसे गर्मी हो जाती है, तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल वेदर तो है लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो मैं अभी घर पे मैसेज भी भेज रहा हूँ कि सब ठीक है भाई, इसके बाद मैप देखा जाए। सो एक्चुअली यहाँ पे नेट नहीं आ रहा, मेरा गूगल फेल हो गया मैप, सॉरी गार्मिन से ही मैं चल पा रहा हूँ। तो इन्होंने रूट का मैप से भेजा था तो एक्जैक्टली टर्न वर्न्स पता थे, तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ बिकॉज मैं अकेला हूँ यहाँ पर। ऑन योर राइट स्पीड इज लाइक 40। गाय माता मुझे उड़ा देता, पता नहीं मैं डीजी फील कर रहा हूँ, मुझे पैरलिस इफेक्ट आ रहा है। ये तो भाई पोस्ट एडिटिंग में जाके पता लगेगा यार क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर। कसानी की जो बेल्ट है ना यहाँ पर टी एंड क्योंकि प्लांटेशन होती है इसलिए आप देख सकते हैं सारी यहाँ पे लगी हुई है, स्टेप फार्मिंग भी होती है। तो जस्ट हैड एन क्रैश एंड साथ में शायद गार्मेंट में टूट गया है, देखना पड़ेगा। हाँ जी, अरे गिरा, मजा आया। साथ में सीट भी फूट गई है, सब कुछ हो गया है एंड गोप्रो में नहीं आया। कोई और गया, इसी पॉइंट पर मैं भी गिरा था अभी। कांग्रेचुलेशन, मैं भी मैं साइड अपना हैंडल सीधा करूं फिर मिलते हैं भाई। यहाँ पे दो बंदे गिरे ध्यान से। लोग कितने हैं अभी? हैं दो चार। दो चार रुपए इसके अगर मैं लास्ट में। इसी व्यू के लिए तो हमने ज्वाइनिंग करी है, रेस के लिए नहीं करा है, वरना तो हम इलेक्ट्रिक लेके फर्स्ट आ जाता। जान लेंगे, हर दो मिनट पर शार्प टर्न्स आ रहे हैं। यार वो शॉर्टकट वाला है क्या रास्ता? नहीं नहीं, तो आ रहा है लेकिन रोड कुछ ज़्यादा ही उठपटांग लग रही है। और अपील? अपील तो ठीक ही है, मैं यहीं का हूँ तो। अच्छा, हो जाती है? हो जाती है अपील, बट ठीक है मतलब। यहाँ मेरी इलेक्ट्रिक के साथ अपील में जान निकल रही है, बंदा मुझे कह रहा है भाई अपील ठीक है। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मैं डाउन में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि स्पीड खींचती है साइकिल और दूसरा फुल सस्पेंशन लेके मैंने बहुत सही करा है यहाँ पर। ये ग्लाइड मारती हुई जाती है, हार्ट हिल होती है तो मैं हिल के गायब होता। ऑन योर राइट राइट सर, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, ये तो मैंने बिल्कुल नज़िम नहीं करा था हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा ये है वाटर क्रॉसिंग, आएगा सीधे सीधे मिड पॉइंट। ओ ओ ओ मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। अब जो क्लाइंब है पे, हाँ पता है सबसे एपिक आपने क्रॉस करी है यहाँ पर, सारे शांति से गए हैं। हाँ गियर चेंज, मैं कहूँ इतनी एपिक क्लाइंब तो है नहीं, आप समझ आ रहे हैं लोग गियर ही चेंज नहीं कर रहे। सो द अपडेट इज दैट अभी 16 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 बिकॉज आई डाउन हिल थी। इसके बाद बैंड बनने वाली है, एक तो धूप, ऊपर से ये सारी आएगी अप हिल जितने में डाउन मारी है। ऑन योर राइट 46 44। आई नो आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी बट दिस इज द मैक्सिमम स्पीड मुझे यहाँ पे मिल पाई विद द फैट बाइक एंड अ शार्प टर्न इज अहेड। बेटा ब्रेक मार ले। सो यहाँ राइड करते करते एक चीज़ का ध्यान रखा गया, बीच में गांव बहुत सारे आते रहे तो पीछे आप देख सकते हैं कौन सा दीवानगी, पता नहीं क्या नाम है, ये वाला गांव क्रॉस किया है शायद गरुड़ इज द मिडिल पॉइंट जो सबसे लोएस्ट है या फिर हाईएस्ट है कंफर्म नहीं, एंड उसके बाद मिड पॉइंट सॉरी यू टर्न स्टार्ट होएगा। एंड यहाँ पे कोई ब्रिज आ गया जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसको आगे ट्रैफिक भी रोक रहे हैं हमारे लिए, थैंक यू। आई गेस ये कोई मार्केट है जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे कोसानी के आसपास की जगह भी एक्सप्लोर हो जाती है। भैया मोमोज कहाँ मिलेंगे यहाँ पर? हाँ मोमो मोमो नहीं, ओहो मोमोज मिल रहे हैं। एनर्जी कहाँ से लाऊंगा मैं? तो पता नहीं क्या हो गया, या तो मेरे गार्मेंट पकड़ा गया या कुछ हो रहा है,
ये 4 डिग्री क्लाइंब पे ऐसा लग रहा है 6 से 7 डिग्री की हो। हीट है या एल्टीट्यूड है, बिकॉज हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग पावर होती है दिल्ली के हिसाब से होती है लोअर सी लेवल तक, एंड यहाँ पे लोग क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होती है हाई एल्टीट्यूड पे। सो भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, क्या हालत है? अमेजिंग, बहुत डाउन तो बहुत डाउन है तो बहुत अच्छा। अभी 2 मिनट पहले किसी ने क्या बोला था मुझे? हाँ क्या बोला था? क्या ये कॉन्सेंट्रेट लग रहा है बहुत, ये ऐसे है सारे एनर्जी पाउच ऐसे होते हैं? क्या हो गया भाई, कह रहे तो देखियो भैंस की। अच्छा, इन लोगों ने फैटबैक पहली बार देखी होगी शायद, एंड थैंक्स टू इमोटर एड यार, उन्होंने सपोर्ट किया साइकिल के लिए। वो ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता इतनी स्पीड में, तो मेरे को ड्रोन शॉट लेने हैं, रुकना है, इधर उधर जाना है, व्लॉगिंग करनी है, नहीं हो पाता। लेट वालों की थी 40 किलोमीटर एंड बच्चों की थी 25 किलोमीटर। मेरे को अभी पेरेंट्स से कॉल करे कि बच्चे तो वहाँ पे मैं होटल क्रॉस कर चुके हैं, हार्डली उनका 3-4 किलोमीटर रहता होगा अब, और हमारा मेरे को लगता है 10 मिनिमम बचा हुआ है। चोट लगी कैसे, कहाँ गिरे? तो ऑफ रोड में गिरा, बहुत पहले गिर गया था जब 6वें 7वें नंबर पे था। अच्छा, टर्न्स में थोड़ा स्किड हो गया आगे वाला टायर। ओ तेरी, और सारे आगे वाले गिरे हैं, बच गए? गिरे हैं, कुछ एक गिरे ना, गिरना ही भाई, बहुत स्लिप था ये। आगे है 9-8 7-8 जने हैं आगे शायद। अच्छा, इतने ही से बचे हैं? हमारे आगे तो शायद ये इतने ही बोल रहे थे बस। हाँ मेरे पीछे हैं, लेकिन इतना होना है। अब मुझे लेने यहाँ पे ड्रोन शॉट समझ नहीं आ रहा कहाँ पर लूँ भाई, हर जगह पेड़ ही पेड़ है। मैं कह रहा हूँ तुम भी गिरे हो क्या? गिरा भाई, किस पोजीशन पे थे उस टाइम पे? वो पता नहीं, स्पेशल बताया था, मैं भी गिरा, सब गिरे, बाकी स्पेशल बोलता मत पेलना मत पेलना। आई गेस दिस इज द टी गार्डन, मतलब यहाँ पर एक स्पेशलिटी भी है। तो मुझे जैसे बताया था यहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन टाइप के हैं, तो अभी काफ़ी चीज़ें खरीद भी सकते हैं क्योंकि यहाँ नेचुरली टी ग्रो करती है। सो अभी मेरे मॉम डैड भी यहीं पर है, दिस इज आवर स्टे, दिस इज हेरिटेज स्टे। अब तो ऑलमोस्ट एंड ही हो गया, 5-6 किलोमीटर बचे हैं मुश्किल से। अभी पहुँच चुके सारे, जो हमारा वाला रिजॉर्ट है। सो मुझे यहाँ पर भी ऑप्शन मिला था, लोकेशन ज्यादा अच्छी थी एंड मुझे लगा कि वहाँ के रूम ज्यादा अच्छे, तो मैंने हेरिटेज के लिए ऑप्ट किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे पास ऑफ करना चाहिए, तो फिर इजिली मैं साइकिल से आ सकता था। मुझे गाड़ी से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। आई गेस दिस इज द मेन चौक, यहाँ से ऊपर अनाशक्ति आश्रम है। हाँ नहीं, ये तो साथ चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो गया। वैसे बैटरी काफी बची हुई है मेरी ई बाइक की। कितनी दिन पुराना है ये? 3 दिन हुए इसको, 3 या 4 दिन हुए। पैसा है तो ले लेना कुछ भी भाई। अरे स्क्रीन गार्ड लगाया भाई, स्क्रीन गार्ड अभी लगाया था, देखते बचेगा कि नहीं। और मोबाइल वाला है, इसमें आता नहीं ना स्क्रीन गार्ड। तुम 5th आयो सीरियसली? और मजा आ गया देख के, कौन सी साइकिल है ये? अर्बन ट्रेल ये फायरफॉक्स की न्यू है। अच्छा, फायरफॉक्स की इन्होंने 29 की एक बार आपने वो डाला था, न्यूक की डाल दी, न्यूक की आप इन्होंने रिव्यू डाल दी 2019 में डाल दी आई थिंक। एंड भैया जब से मैंने इनका रिव्यू देखा सही में वो ड्रीम बाइक हो गई थी भैया मेरी। कैसी फीलिंग आई? 1-1 रुपया वर्थ है इसका, अब वर्थ लग रही है साइकिल। जिसको लेनी है लो, है ना, किडनी बेच के लो, लो किडनी दोनों बिक जाएंगे इतने में। कैसे गिरा भाई? अरे ये भी अच्छा, ग्लव्स नहीं पहने थे क्या? पूरा गया ये ग्रेवल में फिसल गया, डाउन हिल था ना, लीन कराई तो पत्थर वाला डाउन हिल था ना वहाँ पे, जब सब गिरे आपको एरिया में इसीलिए हमें प्लान चैलेंज हो रहा है, बहुत लंबा दी दिया ये ट्रैक स्टैंड तो अच्छा है तुम्हारा। मैं रोडियो पे करता था, क्या बात कर रहे हो, पहले मैं रोडियो पे करता था, फिर मेरे पास आई पॉलीगन प्रीमियर 4, 2 महीने में गया पॉलीगन का, 14,000 में भेज दी मैंने, फिर दिमाग खराब हो गया। कौन सा वाला लॉट था? हाँ पॉलीगन का हाल हुआ है, प्रीमियर 5 काफी उन्होंने मुझे कंप्लेंट कर दी इस बारे में। हैंगर से टूटा भाई या लीवियो, हैंगर से टूटा लीवियो स्पोक्स के बीच में, क्या बात कर रहा है, दिमाग खराब। मैं घर आया 4 किलोमीटर पहले पैदल, फिर 2 किलोमीटर लिफ्ट भाई, लास्ट मोमेंट धोखा धोखा। और भाई कैसे एक कंधे में भाई। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस वाज द MTB कौसानी एडिशन फर्स्ट, इसके और भी एडिशंस होंगे एंड ऐसे और भी कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो वो भी वॉच आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, अगर रेस पसंद आई तो भी शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ के काफी सारे रील्स आ ली है। एंड दिस फैटबिक के वेप ऑफ साइनिंग ऑफ।